पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कचहरी कंपाउंड के उत्सव बैंकट हॉल में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ। भंडारे के पश्चात समापन किया गया, जिसमें कथावाचक व्योम त्रिपाठी के द्वारा साधकों को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भगवान राम के मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे भगवान राम सुबह उठकर माता पिता और गुरुजनों का चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करते थे, इसी तरीके से भगवान राम की दी गई शिक्षा और उनके अनुसरण किए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। वहीं भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग संगीत में प्रस्तुत किया। पुलिस श्रीमद् भागवत महापुराण की समय आया। सांब के पेट से लोहे का भूषण निकला, इन्होंने कूट कूट के चूरन बना करके समुद्र के किनारे उसे फेंक दिया। एरका नाम की पैनी घास निकली आई, एक इतनी सी कील बची है, उसको समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया था। मछली उसको निगल गई, मछली व्याध के जाल में फंसी है शिकारी के। शिकारी ने जब उसको काटा तो वो कील ऐसे ही निकल आई, उसने अपने बाण पर चढ़ा लिया। जरा नाम का व्याध है, उसके बाण पर कील चढ़ी हुई है। इधर शाप के कारण यदुवंश लड़ लड़ के खत्म हो गया। प्रेम से कह दो श्री राम। और 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट में कथा को मैं विश्राम कर रहा हूं। प्रेम से कह दो श्री राधे। महाराज करने के लिए रुक्मिणी महारानी आई, गौरी जी का पूजन करने। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो। ओ गौरी श्रृंगार तेरा नाच है, ओ गौरी पूजन हुआ। रुक्मिणी महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, क्या कर रही हैं? पब्लिक टीवी आपकी आवाज।